दोस्ती नाम का ये शब्द जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि दोस्ती करना तो आसान है लेकिन उसको निभाना उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल। वैसे दोस्ती के मामले में कहा जाता है कि 100 दोस्त होने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आपका एक सच्चा और वफादार दोस्त हो, मगर जब बात वफादारी की आती है तो ये बेजुबान जानवर कई बार हम इंसानों से भी ज्यादा वफादार साबित होते हैं। ये बोल तो नहीं सकते लेकिन समय आने पर जिस तरह से ये अपना प्यार और वफादारी जाहिर करते हैं वो कभी कभी हम इंसानों के लिए बेहद हैरत भरा किस्सा बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे कुछ जानवरों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर और कुछ ने तो अपनी जान देकर अपने मालिकों की जान बचाई और दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी फैक्टलैंड पर एक बार फिर से। जब पेट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डॉगीज का ही ख्याल आता है और कुत्तों के बारे में एक पुरानी कहावत है कि वो वफादार होते हैं। वैसे इसी कहावत को एक कुत्ते ने सच कर दिखाया जिसने अपने मालिक की जान उस वक्त बचाई जब पास ही के गैराज में मीटर फटने की वजह से उसके घर में आग लग गई थी और मकान मालिक अंदर आग में फंसा हुआ था। हालांकि पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी गई थी लेकिन वो घर जंगल में इतना अंदर था कि उसको ढूंढ पाना पुलिस के बस में नहीं था। और फिर हुआ यूं कि जब पुलिस उस घर की तलाश में जुटी थी तभी उन्हें जंगल के रास्ते पर एक कुत्ता दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी को देखते ही वो कुत्ता आगे की तरफ भागने लगा और पुलिस भी उस कुत्ते का पीछा करने लगी। फिर वो कुत्ता उन पुलिस कर्मियों को वहीं पर ले गया जहां पर आग लगी हुई थी। बाद में पता चला कि वो कुत्ता उस मकान मालिक का ही था जो कि अपने मकान मालिक के लिए मदद मांगने बाहर की तरफ आ गया था। और देखिए किस तरह उस डॉगी की सूझबूझ की वजह से उसके मालिक की जान बच गई। आपको बता दें कि बाद में इसी कुत्ते को बहादुरी का पुरस्कार भी दिया गया था। वैसे बहादुर तो वो था ही और अपने मालिक के लिए पूरी तरह से वफादार भी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगल का राजा कहा जाने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर भी हमारी इस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, अब शेर भले ही कितना भी खूंखार क्यों ना हो लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल तो सबके पास होता है, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान। हालांकि अब जो घटना हम आपको बताने वाले हैं वो ये साबित करती है कि एक तरफ हम इंसान अपनी इंसानियत भूलकर कितना नीचे गिरते जा रहे हैं, वहीं ये बेजुबान जानवर कभी कभी हमें इंसानियत का असली मतलब समझा जाते हैं। दरअसल ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री केन्या में बहुत सारी गैंग्स ऐसी हैं जो लड़कियों को किडनैप करके दूसरे देशों में बेच देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा साल 2016 में केन्या में हुआ जब कुछ लोग एक लड़की को किडनैप करके जंगल की तरफ ले गए। तभी लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी जिसकी वजह से वहां पर शेरों का एक झुंड इकट्ठा हो गया और उन लोगों पर हमला कर दिया। ऐसे में वो किडनैपर्स उस लड़की को जंगल में ही छोड़कर भाग गए ताकि वो उन शेरों का शिकार बन जाए। लेकिन शेरों के झुंड ने उस लड़की को कुछ नहीं किया बल्कि उन्होंने उस लड़की की तब तक रक्षा की जब तक उस लड़की को लेने के लिए कोई वहाँ आ नहीं गया। वैसे उस लड़की ने कभी नहीं सोचा होगा कि शेर जैसे खतरनाक जानवर की वजह से उसकी जान बच पाएगी। वैसे वफादारी का ऐसा ही एक किस्सा कजाकिस्तान में भी देखने को मिला था जो कि साबित करता है कि यदि डॉग्स किसी इंसान को अपना दोस्त मान लेते हैं तो वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ते भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो किस्सा था क्या। दरअसल कजाकिस्तान के एक व्यक्ति के पास भी उसका एक बेहद वफादार कुत्ता था। वो व्यक्ति जहाँ भी जाता वो कुत्ता उसके पीछे पीछे चला आता था, मगर उस कुत्ते का मालिक एक शराबी था और अपनी शराब की लत के कारण वो अक्सर दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। ऐसी सिचुएशंस में उस कुत्ते ने कई बार अपने मालिक की सहायता भी की थी, मगर अब जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो काफी चौंका देने वाली थी। दरअसल एक बार उस कुत्ते के मालिक ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वो ट्रेन की पटरी पर ही सो गया था। अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर उस कुत्ते ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो शराब में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि उसको कुछ होश नहीं था। फिर कुछ समय बाद उस पटरी पर ट्रेन आ गई। कुत्ते की तमाम कोशिशों के बाद भी उसका मालिक नहीं जागा। फिर भी उस कुत्ते ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा बल्कि वो भी अपने मालिक के साथ ट्रेन की पटरी पर ही लेट गया और उसी के साथ इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वैसे एक बात तो साफ है कि इस तरह का जिगर शायद ही आपको किसी इंसान में देखने को मिलेगा। मददगार जानवरों की हमारी इस लिस्ट में अगले हैं गोरिल्ला। जी हाँ, वो खतरनाक जानवर जिनकी हरकतें काफी हद तक हम इंसानों की तरह ही होती है लेकिन कभी कभी ये जानवर ऐसा बर्ताव करते हैं जो हमारे लिए काफी भयानक अनुभव बन जाता है।
दोस्तों अगर आपको याद हो तो साल 2016 में भी ऐसा ही एक डरावना किस्सा सुनने को मिला था, जब जू में रहने वाले एक गोरिल्ला ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली थी। लेकिन अब जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसको सुनने के बाद आपको जरूर जंबो नाम के इस गोरिल्ला से प्यार हो जाएगा। दरअसल एक 5 साल का बच्चा जू में खेलते हुए अचानक गोरिल्ला के पिंजरे में गिर गया और गिरकर बेहोश हो गया। तभी पिंजरे में मौजूद बाकी गोरिल्ला उस बच्चे को खाने के लिए तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन एक जंबो नाम के गोरिल्ला ने उन सभी से लड़कर उस बच्चे की जान बचाई। फिर वो उस बच्चे को उठाकर वहाँ पर रख देता है जहाँ से जू के लोग गोरिल्ला को खाना खिलाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जू में काम करने वाले लोग उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल सकें। इस किस्से को सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि जानवरों का मूड कब कैसा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिस तरह कभी कभी हम इंसान जानवरों की तरह बर्ताव करने लगते हैं, ठीक उसी तरह शायद इन जानवरों के अंदर का इंसान भी कभी कभी बाहर निकल आता है। चलिए अब आपको इंडिया का एक किस्सा सुनाते हैं। भारत देश में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। वो इतिहास के उन शूरवीर योद्धाओं में से एक थे जो बेहद साहसी, निडर और समाज प्रिय थे। वैसे जब भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तो उनके साथ उनके प्रिय घोड़े चेतक के नाम का जिक्र भी जरूर होता है। चेतक महाराणा प्रताप के सबसे वफादार घोड़ों में से एक था, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। दरअसल हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने चेतक पर सवार होकर काफी लंबे समय तक दुश्मनों से लोहा लिया था। आपको बता दें कि उस समय युद्ध में हाथी की सूंड पर तलवार लगाया करते थे। इसी लड़ाई में जब चेतक ने एक ऊंची छलांग लगाई तो एक हाथी के सूंड पर लगी तलवार की वजह से चेतक का पैर कट गया और उसके पैर से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और लगातार लड़ता रहा, क्योंकि अगर वो रुक जाता तो उसके मालिक यानी कि महाराणा प्रताप की जान को खतरा हो सकता था। ऐसे में वो महाराणा प्रताप को लेकर अपने घायल पैर के साथ ही तेजी से दौड़ने लगा। तभी रास्ते में उसके सामने एक 28 फुट का दरिया आया, मगर चेतक ने उस दरिया को एक ही छलांग में पार कर दिया। हालांकि उसके बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए, मगर उसने अपने मालिक को कुछ नहीं होने दिया। चेतक के साहसी कार्य और बहादुरी के ऊपर बहुत सारी कविताएं और कई किताबें लिखी गई हैं, जो कि हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। हमारी लिस्ट में अगले हैं थॉर। जी नहीं, एवेंजर्स वाला थॉर नहीं, बल्कि ये तो थॉर नाम का एक कुत्ता है जो अपने मालिक की रक्षा उस समय करता है जब उसके मालिक को एक चोर जान से मारने की कोशिश करता है। दरअसल वो व्यक्ति दिन के समय पेट्रोल पंप पर अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, तभी एक अनजान व्यक्ति उसके पास आकर फोन इस्तेमाल करने के लिए मदद मांगता है। जब उस कुत्ते का मालिक उस व्यक्ति को अपना फोन इस्तेमाल करने के लिए देता है, तभी वो व्यक्ति बंदूक निकालकर मालिक के ऊपर लगा देता है और दुकान में रखे सभी पैसों की मांग करते हुए वो मालिक के साथ मारपीट करने लगता है। ये देखकर उसका कुत्ता हिंसक हो जाता है और उस चोर को 3 से 4 बार काट लेता है। ऐसे में उस कुत्ते के डर से वो चोर वहाँ से भाग जाता है। इस बारे में जब मालिक से पूछा गया तो उनका कहना था कि उसके कुत्ते ने इतना हिंसक व्यवहार पहले कभी नहीं किया और उसने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि उसका पालतू कुत्ता ऐसी परिस्थिति में इस तरह से उसकी सहायता करेगा। हमारा अगला किस्सा अमेरिका के एक 2 साल के बच्चे का है, जिसके घर के पालतू कुत्ते ने एक जिम्मेदार बाप की तरह उस बच्चे की जान बचाई। ये बात उस वक्त की है जब एक पिकनिक के दौरान 2 साल का पैट्रिया अपने दादाजी के साथ खेल रहा था। इसी बीच कुछ समय के लिए दादाजी का उसके ऊपर से ध्यान हट जाता है और पैट्रिया जंगल की तरफ चला जाता है। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी दादाजी को पैट्रिया कहीं नहीं मिला। फिर वो बिना वक्त गवाए पुलिस को सूचना देते हैं। काफी देर तक जंगल में ढूंढने के बाद पुलिस को उनका पालतू कुत्ता दिखाई देता है और वो उनके पास आकर भौंकने लगता है। दरअसल पैट्रिया के साथ उनका पालतू कुत्ता भी जंगल में चला गया था और वो कुत्ता पुलिस कर्मियों को सीधे पैट्रिया के पास ले जाता है, जो कि अपनी जैकेट के ऊपर सो रहा होता है। अब उस सुनसान जंगल में वैसे तो पैट्रिया के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी, मगर उनके पालतू कुत्ते की वजह से उस 2 साल के बच्चे की जान बच गई। वैसे सिर्फ जंगल के शेर, गोरिल्ला जैसे जानवर ही नहीं, पानी में रहने वाली डॉल्फिन्स भी काफी मददगार होती हैं। दरअसल साल 2014 में एंड्रयू नाम का एक व्यक्ति समुद्र के किनारे सर्फिंग कर रहा था, तभी उस पर अचानक एक साक हमला कर देती है। लेकिन उसी वक्त डॉल्फिन्स का एक झुंड वहां आ जाता है और उस व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेता है ताकि सार्क उसके ऊपर हमला नहीं कर पाए। साग से बचाते हुए वो डॉल्फिन्स उस व्यक्ति को समुद्र के किनारे तक सुरक्षित पहुंचा देती हैं और इस तरह उस व्यक्ति की जान बच पाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे किस्से जिनमें जानवरों ने अच्छाई की एक ऐसी मिसाल कायम की जो हर किसी की सोच से परे थी।
तो अगर इस नेगेटिव दुनिया में कुछ अच्छाई आपके अंदर भी बची हुई है, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें कि आपको इनमें से किस जानवर की वफादारी सबसे अच्छी लगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम जल्द लौटेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।